Namaste and welcome to Hindi with Bindu Dayan, where you will be getting English explanation to all your Hindi lessons. Can you imagine a world without alphabets or letters? Letters that are the base of all that we read, write, or communicate. Today, we will learn the origin and importance of letters and its role in the development of human civilization. In Aksharon ka Mahedberg, written by Gunakar Muley. In this video, we will be learning lesson 5 from class 6th, Aksharonka Mahatva. The writer is Gunakar Mule. Aksharonka Mahatva, which means the importance of alphabets or letters. This lesson highlights the importance or the role of alphabets in the development of human civilization. Let's get started. अक्षरों की कहानी द स्टोरी ऑफ लेटर्स यह पुस्तक अक्षरों से बनी है दिस बुक इज मेड ऑफ लेटर्स सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है इनफैक्ट ऑल द बुक्स आर मेड ऑफ लेटर्स तरह तरह की पुस्तकें तरह तरह के अक्षर Different types of books have different types of alphabets. दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं. Crores of books have been published throughout the world. हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं of books are published एवरी डे तरह तरह की अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं एंड thousands ऑफ न्यूज पेपर्स आर every एवरी डे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स इन सब के मूल में है अक्षर मूल हम कल्पना भी नहीं कर कि यदि आदमी अक्षरों को जानता, तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता? मींसिन वॉट वुड बी कंडीशन ऑफ वर्ल्ड टूडे कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनाधिकाल से जानते हैं एंड वी कैन इवन लेटर्स फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग टाइम अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है इन ओल्डन डेज पीपल इवन यूज टू बिलीव दैट द लेटर्स आर लेटर्स आर गिविन टू अस बाई गॉड मीन इट्सों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है स्टडीज है लेटर्स आर इन्वेंटेड नॉट बाई गॉड बट बाई मैन अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय पर हुई

आर अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली फाइव मिलियन ईयर्स ओल्ड दो तीन अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे फॉर टू टू थ्री मिलियन ईयर्स देर वॉज नो लाइफ ऑन अर्थ फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा एंड देन फॉर क्रोर्स ऑफ इयर्स ओनली एनिमल्स एंड वेजिटेशन दैट इज प्लांट्स वेर देर ऑन दिस अर्थ आदमी ने इस धरती पर कोई पांच लाख साल पहले जन्म लिया मैन केम इन टू ऑन अर्थ धीरे धीरे उसका विकास हुआ एंड स्लोली मैन डेवलप्ड कोई दस हजार साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया अराउंड टेन थाउजेंड इसो मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन टू विलेजेस वह खेती करने लगा ही स्टार्टेड फार्मिंग वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था ही वॉज यूजिंग स्टोन टूल्स और स्टोन वेपन मेड ऑफ स्टोन इन द बिगिनिंग फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए एंड ग्रेजुअली ही स्टार्टेड यूजिंग मेटल्स लाइक तांबा दैट इज कॉपर एंड कांसा दैट इज ब्रॉन्स टू मेक टूल्स और वेपन्स प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए प्रागैतिहासिक दिस टर्म रिफर्स टू प्रीहिस्टोरिक पीरियड द टाइम पीरियड बिफोर द डिस्कवरी और द यूज ऑफ लेटर्स बाय मैन इन दैट टाइम पीरियड मैन यूज्ड टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस एंड फीलिंग्स हीट विदेल्प ऑफ पिक्चर्स जैसे पशुओं पक्षियों आदमियों आदि के चित्र लाइक द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एंड मैन इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए एंड ग्रेजुअली दिस पिक्चर्स वेर यूज टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स एंड इमोशंस टू जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था

हीट और धूप सनलाइट। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए एंड इन फिगर और कन्वे अटेन मैसेज दे के मस तब जाकर बाद में काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की एंड ग्रेजुअली मैन इन्वेंटेड लेटर्स अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं इट हैजार्डलीयर्स टू द इन अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई अलोंग विद द इन्वेंशन ऑफ लेटर्स ए न्यू एरा स्टार्टेड आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा And man started writing down his thoughts, his calculations, his records, and all his experiences now. Tabse manu ko kaha jane laga. And from then on, man was called sabhya, civilized. Admine jabse likhna shuru kia, tabse itihas saram hua. Right from the time man started writing, history also is considered to begin. किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से मानव के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं द हिस्ट्री ऑफ एनी नेशन और एनी कंट्री इज टू बिगिन राइट फ्रॉम द टाइम पीरियड वेन वी डिराइव द राइट इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं सो वी कैन से दैट इवन द हिस्ट्री स्टार्टेड अराउंड सिक्स थाउजेंड एगो उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल, काल काल इतिहास के पहले का कहते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड द टाइम पीरियड वेन लेटर्स वेर नॉट इन यूज प्री हिस्टोरिक पीरियड इतिहास के पहले का काल द टाइम पीरियड बिफोर हिस्ट्री

इन्वेंशन ऑफ लेटर्स इज इनफैक्ट द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा आफ्टर द of ऑफ लेटर्स मैन स्टार्टेड राइटिंग डाउन thoughts. इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी एंड इन दिस वे द नॉलेज ऑफ वन जेनरेशन वॉज यूज बाय द नेक्स्ट जेनरेशन अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ एंड इट वाज़ आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ लेटर्स दैट इन द पास्ट सिक्स थाउजेंड इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज डेवलप्ड इन अ वेरी फास्ट मैनर यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर्स एंड द स्क्रिप्ट दैट आर मेड आउट ऑफ इट अतः हम सब को अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए सो वी ऑल मस्ट नो स्टोरी ऑफ लेटर्स आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए कहाँ बने और किसने बनाए यह जानना जरूरी है भी so the letters that we learn today the different languages that we read and write today we must try to know the origin of those languages when they were made where were they made who made them we must try to know more about them here are a few questions for your revision try to find out the answer in connection with the explanation given aksharon ki khoj kisne ki फाउंड एल्फबेट हमारी धरती लगभग कितने साल पुरानी है हाउ ओल्ड इज आरक्सिमेटली गांव को बसाना कब शुरू किया वेटिंग प्रागैतिहासिक काल किसी कहते हैं वट इज द मीनिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड प्रागैतिहासिक मानव ने किसके जरिए अपने भाव व्यक्त किए हाउ डिट प्री हिस्टोरिक मैन एक्सप्रेस his emotions, Aksharon ki ko shuru huye, kitne saal hain? and how long it has been to the discovery of letters. So that was Aksharon ka by Gunakar Mule, the lesson about the importance of letters. Right from manuscripts to the present digital world, we must try to know the origin of letters that led us to the present world of ours. I hope you might have understood the lesson.